Hey guys, welcome back to my channel. It's Gurpit Sandhu and I am in McLeodgins today. So, मैं जल्दी जल्दी से एक get ready with me kind of video shoot करने लगी हूँ आपके लिए. तो अगर आपको ये मेरा पूरा vlog देखना है, हमने क्या क्या किया McLeodgins में, तो मैं vlog भी जल्दी आएगा, इस video के साथ में vlog आ जाएगा, तो आप देख सकते हो. आगे पीछे होगा या वीडियो से पहले होगा या वीडियो के बाद होगा, आप देख लेना अपने हिसाब से. और अभी मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है. एक्चुअली मॉइस्चराइजर मैं लाना भूल गई थी. मैं तो जल्दी से वीडियो बनाऊंगी बिकॉज मेरी डॉटर भी इस बार मेरे साथ आई है, तो वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही है, मतलब टिक नहीं रही है वो. तो फिर मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया हुआ है. मैं मॉइस्चराइजर लाना भूल गई थी, तो फिर मैंने ये ऑयल ले आई थी बाई चांस. तो इससे पहले मैं आपको अपनी वैनिटी दिखा देती हूँ जो मैं ट्रैवलिंग पे यूज़ करती हूँ. ये मेरी वैनिटी है, ये मैंने शादी पे ली थी अपनी, कि मतलब छोटे मोटे जो टूर्स होंगे मैं इसमें ये यूज़ करूँगी. बट मैंने इसको कभी भी नहीं यूज़ किया. मैं फ़र्स्ट टाइम इसको डलहौजी लेके गई हूँ और सेकेंड टाइम यहाँ पर, या फिर मैं अपने घर मायके जाती हूँ तो एक दो बार लेके गई थी. अब मैंने इसको रखा हुआ था, अभी मैंने निकाला इसको, तो मैं ये पैक्ड ही थी ऐसी मैं इसको उठा के ले आई. तो इसके बाद फेस को मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का सनस्क्रीन यूज़ करेंगे. तो इट इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाली धूप है और एकदम कोई ठंड नहीं है यहाँ पर. अभी 21st हो गया, 21st फेब, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कि जलंधर से भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है. कुछ लग ही नहीं रहा कि हम पहाड़ों में, इतनी ज़्यादा गर्मी है. तो ये मैं लगा लूँगी अच्छी तरह से सनस्क्रीन, ताकि सन हार्म ना करे ज़्यादा, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हम धूप में ही घूम रहे हैं, तो फिर सन तो हार्म करेगा. ओके, एनीवेज, और इसके बाद फिर मैं जल्दी से आइस का कर लेती हूँ. सबसे पहले मैं लिप बाम लगा लेती हूँ, तब तक लिप्स जो हैं ओके. मेरे हाथों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टैन हो चुके हैं मेरे हाथ ना, पता नहीं हाथों पे हुई, अभी फेस पे मेरे इतनी ज़्यादा नहीं. इसलिए मैं अपना आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी. पहले ब्राउज को फिल कर लेते हैं फटाफट से. मैं अभी ना वीडियो फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के आपको दिखाती हूँ, आप देखो, बिकॉज यहाँ पर बहुत शोर मच रहा है. मेरी डॉटर है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, हमारे साथ एक और फैमिली है, उनके दो बच्चे हैं, तो वो लोग ना टिक नहीं रहे हैं, वो कभी इस रूम से वहाँ इस रूम में आ रहे हैं. तो मैं जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये वीडियो दिखाऊंगी, आप जल्दी जल्दी से देख लो. मैं आई ट्राई कि मैं नीचे ना प्रोडक्ट्स डाल दूँ, मैं क्या क्या लगा रही हूँ, तो हल्का हल्का सा आई मेकअप कर लेंगे.
पाउडर लगा लिया था और मैं अपना ये लगाना भूल गई थी, व्हाट यू विल से दिस, ब्लश ऑन, तो फिर मैंने ऊपर से ही लगा लिया, तो इट्स ओके क्योंकि पाउडर ही लगाया मैंने बेसिकली। तो इसके बाद लिपस्टिक लगा लेंगे। सो मैंने रिसेंटली ना ये लिए थे इन कलर के 3 शेड्स, ये है शेड नंबर, ओ माई गॉड, शेड नंबर्स तो इस पे लिखे नहीं है कहीं पर भी, इसके ना वो एक्चुअली जो, अच्छा शेड नंबर 1, शेड नंबर 6 एंड शेड नंबर, फटाफट से बता देती हूँ, 3, ठीक है, अगर आपको ये तीनों कलर्स में से कोई कलर लेना होगा तो। वट आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग कि मैं ये वाला कलर लगाऊँ, इट्स वेरी ब्यूटिफुल कलर, इट्स अ फ्यूशिया काइंड ऑफ कलर, जिसको हम हिंदी में रानी कलर बोल देते हैं, वैसा सा कलर है ये। ये वाला कलर अब मैं अपने पर्स में रख लूँगी और ये हो चुके हैं डन। मैं लाइनर बाद में लगाऊंगी और लगा लेते हैं हल्का सा सिंदूर। सिंदूर एंड आई एम डन और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मिस्ट लगा लूँगी। अच्छा मैंने ब्लशर तो लगाया ही नहीं, हाइलाइटर नहीं लगाया, वैसे तो हाइलाइटर की इतनी खास ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे भी, थोड़ा थोड़ा सा मैं, ये ब्रश है मेरे पास, इससे ही मैं थोड़ा सा ये सिवाना वाला जो हाइलाइटर है ये लगा लेती हूँ हल्का हल्का सा, वैसे तो धूप में इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर आपका मेकअप बहुत अजीब सा लगता है। वेरी विद वेरी लाइट हैंड्स आपने ये लगाना है, वेरी वेरी लाइट, ओके, सो इट्स ऑल डन। और मैंने ना ये नहीं लगाया, फेस कटिंग नहीं की मैंने, हल्की हल्की से कर लेती हूँ, वेरी लाइट हैंड्स, हेयर लाइन में लगा लेते हैं। This is all done. अब मैं लगा लूंगी ये फेस मिस्ट ऊपर से। अब मैं बालों को थोड़ा सा ना वो करूंगी, आइनिंग करूंगी थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि थोड़ा ना मैसी हो गया तो फिर ये थोड़े अच्छे लगेंगे। तो दैट्स इट, लाइनर लगाने के बाद मैं आपसे बोलूँगा। या सो लाइनर भी मेरा हो गया, मैंने बहुत हल्की सी थिन सी लाइन ड्रॉ की है। चलो दिस इज़ ऑल डन, दिस इज़ माय गेट रेडी विद मी इन कहाँ है मैक्लोडगंज वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट ऑन दैट लाइक बटन और मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे आज न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लो। हमारे मैंने अभी रिसेंटली डलहौजी भी ट्रैवल किया था, तो वो सारी ट्रैवल सीरीज़ मतलब 1, 2, 3 पार्ट्स में हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो ये है मैक्लोडगंज वाली गेट रेडी विद मी वीडियो, तो मैं आपको मिलूंगी, और इसकी भी जो व्लॉग है वो भी आने वाला है, वो भी आप ज़रूर देखना। और जैसे आप मेरी पिछली एक मेकअप वीडियो को मेरे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो वैसे ही आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको अभी थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, मैं आपको भी थोड़ा सा अपना दिखा देती हूँ मैंने कैसे सेट किया था। ये देखिए, यहाँ मैंने सामने एक चेयर रखी है, उसके ऊपर मैंने टेबल है नीचे, उसके ऊपर ये रखा है, और ये मैंने ऐसे जुगाड़ लगाया था, और जो रूम के बाहर व्यू है वो ऐसा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
और बाकी अगर आपको पूरा इसका ट्रैवल व्लॉग देखना है तो वो आप मेरे चैनल पे ये वीडियो से पहले या वीडियो के बाद आ जाएगा, तो आप वो देख लेना. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.